हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर 5 अम्ल क्षार और लवण। आपसे रिक्वेस्ट, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन आए इसको आप आसानी से कर सकें। अगर ये वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके इस चैनल का सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अम्ल क्षार और लवण। तो क्या है अम्ल, क्या होता है? तो अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल, अम्ल मतलब एसिड होते हैं। एसिड शब्द की उत्पन्न लैटिन शब्द के एसियर से हुई, इसका अर्थ है खट्टा। जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका स्वाद खट्टा होता है। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, और पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? तो ये तो पता चल गया कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? तो पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है कि उसमें एसिड होते हैं। जब एसिड होगा तो सिंपल सी बात है कि उस फल जो होगा, जो पदार्थ होगा, वो उसका टेस्ट खट्टा होगा। और एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है, एसियर का मतलब होता है खट्टा। और खट्टी चीजें कैसी, कौन कौन होते? तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद आदि। तो अम्ल कैसा है? अम्ल का स्वाद खट्टा है। पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों है? तो इसलिए खट्टा है क्योंकि उसमें अम्ल मिला होता है, और अम्ल मिला होगा तो इससे उस पदार्थ का स्वाद खट्टा हो जाएगा। और अम्ल शब्द की उत्पत्ति या एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। क्षार क्या होता है? तो ये तो पता चल गया कि अम्ल का स्वाद खट्टा हो। अगर कोई कोई भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, अगर वो खट्टी लग रही है तो इसका मतलब है कि उसमें एसिड मिला हुआ है। क्षार क्या होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो क्षार किसे कहा गया? तो क्षार स्वाद में कड़वे। तो क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो। तो हमें यह पता चल गया कि जिनका स्वाद कड़वा होता है उसमें क्षार मिला हो। तो जैसे पदार्थ, जिन पदार्थों को हम टेस्ट करेंगे और जब टेस्ट करने पर वो कड़वे लगे, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें क्षार मिला हुआ है। तो क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो, और स्पर्श करने पर क्या, तो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हो, तो वो क्षार कहलाते हैं। सूचक क्या होता है? तो कोई पदार्थ, क्या कोई पदार्थ अम्ली अथवा क्षारी है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थ के पदार्थों का उपयोग किया। अब क्या है कोई पदार्थ, अब हम कैसे पता चलेंगे कि इसमें, ये तो हमें मोटा मोटा पता चल गया कि जो चीज़ खट्टी लगे उसका मतलब उसमें एसिड है, जो पदार्थ में हमको कड़वा लगे और साबुन जैसे जैसे स्पर्श करने पर फील हो तो वो क्षार है। ये तो मोटी मोटी बात होगी, लेकिन अब हम रियल में कैसे जान पाएंगे कि शायद वो लग रहा हो, उसमें हो सकता है कि उसमें कड़वी लग रही है पर वो क्षार ना हो, खट्टी लग रही है, अम्ल ना हो। तो सोचा क्या है, कोई पदार्थ अम्ली है या क्षारी है, इसका परीक्षण करने के लिए क्या, तो इसका परीक्षण करने विशेष प्रकार के पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, जिससे पता चल सके कि इसमें रियल में एसिड मिला हुआ है कि क्षार मिला हुआ है। तो क्या है? लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस समान रूप से, क्या समान रूप से उपयोग किया जाने वाला, तुझे समान रूप से उपयोग, जिसको हमेशा यूज किया जाए, समान रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस होता है। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन में अम्ली विलयन मिलाया जाता है। क्या? लाइकेन में अम्ली विलयन मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। लाइकेन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। तो ये लाल और नीले लिटमस पद के रूप में उपलब्ध होता है। तो लिटमस क्या है? तो लिटमस समान रूप से उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें इस पदार्थ में अम्ल मिला हुआ है कि क्षार मिला हुआ है। लाइकेन में अम्ली विलयन होता है। लाइकेन कैसा होता है? तो लाइकेन में अम्ली विलयन होता है। और कैसे पता चलेगा कि लाइकेन में अम्ली विलयन? तो ये अगर ये लाल हो गया तो अगर ये लाल हो गया तो इससे पता चला कि ये अम्ली है। अगर ये नीला हो गया तो इससे पता चला कि ये क्षारीय है। तो लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में ये उपलब्ध होता है। तो लिटमस समान रूप से उपलब्ध होता है और ये लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। और इसमें अम्ली विलयन मिलाया गया तो ये लाल हो जाएगा। अगर ये लाल हो गया तो पता चला कि इस पदार्थ में अम्ल मिला हुआ है। अगर इसको मिलाने पर क्षार लाल हो गया तो इससे पता चलेगा कि इस पदार्थ में क्षार मिला हुआ है। तो क्या है? तो लिटमस लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जिस पदार्थ को हम सेवन कर रहे हैं उसमें अम्ल है कि क्षार है। उदासीन विलयन क्या होता है?
उदासीन विलयन, तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। ऐसे विलयन, तो ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते तो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ में न तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, तो उदासीन विलयन उसे कहते हैं। तो ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, तो ऐसे विलयन जो लाल और नीले रंग, जो लाल लिटमस और नीला लिटमस होता है उसके रंग को परिवर्तित नहीं करते, तो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ में ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता। उदासीनीकरण क्या? उदासीनीकरण क्या, तो किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होती है और साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। तो उदासीनीकरण क्या है, तो उदासीनीकरण वह प्रक्रिया होती है, वह रासायनिक प्रक्रिया होती है या वह प्रक्रिया जिसमें किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है और साथ साथ लवण और जल भी इस प्रक्रिया में निर्मित होते हैं। तो अम्ल प्लस क्षार क्या हुआ, अम्ल एसिड प्लस बेस, मतलब अम्ल और क्षार मतलब लवण और जल मिलते हैं, जिससे क्या होता है, अम्ल और क्षार का जब उदासीनीकरण करते हैं उसको वापस मिलाते हैं तो क्या होता है, लवण निकलता है और जल निकलता है। उदाहरण क्या हुआ, उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या हुआ एसिड, और सोडियम क्लोराइड क्या, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी AO, जिससे क्या हुआ सोडियम क्लोराइड और जल और ऊष्मा निकली। तो जब उदाहरण क्या है, तो जब अम्ल और क्षार को जब हम आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं उनको मिलाते हैं तो क्या होता है, लवण और जल निकलता है। उदाहरण क्या है, जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaH को जब मिलाया गया तो सोडियम क्लोराइड यानी HCl और जल और ऊष्मा निकली। अब क्या है, फिनालफेथिन क्या, फिनालफेथिन क्या है, तो जिसका अभेदक उपयोग नहीं किया गया इसे फिनालफेथिन कहते हैं। फिनालफेथिन क्या होता है, जिसका अभेदक उपयोग नहीं किया गया उसे फिनालफेथिन कहते हैं। अपाचन क्या है, हमारे आमाशय में क्या, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो फिनालफेथिन क्या होता है, जिसका अभेदक उपयोग नहीं किया गया उसे फिनालफेथिन कहते हैं। अपाचन क्या होता है, तो अपाचन हमारे आमाशय में क्या होता है, तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसकी सहायता से खाना, जो जटिल खाना होता है वो पचता है। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसकी सहायता से क्या होता है, हमारा खाना पचता है। भोजन के पाचन में क्या, भोजन के पाचन में ये हमारी मदद करता है। तो अपाचन क्या है, तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने में अपचन हो क्या, देखो एक हर चीज की एक लिमिट होती है, तो अगर लिमिट के और ज्यादा, अगर लिमिट के से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया तो क्या होगा, इससे हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो असंतुलित हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। तो अपाचन क्या हुआ, अपाचन हमारे हमारे जो आमाशय है, तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता जब अधिक हो जाती है तो इससे अधिक मात्रा से हमारे शरीर का पाचन में असंतुलन पैदा हो जाता है। चींटी का डंक, चींटी का डंक क्या है, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्ली डाल देती है क्या, जब हमको चींटी काटती है तो त्वचा में जब जिस जगह पर काटा तो उस त्वचा में क्या अम्ली डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजनक कार्बोनेट अथवा कैले माइन विलियन मलकर उदासीन किया जाता है, जैसे जिंक कार्बोनेट कहते हैं। तो क्या, जब चींटी का डंक हमें मार देती है तो वहाँ क्या लाल हो जाता है, बहुत खुजली करता है। तो जब चींटी काटती है तो क्या करती है, उस त्वचा में काटने वाली जगह में क्या अम्ल डाल देती है। और इस डंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए, उस उदासीनीकरण करने के लिए, तो नमयुक्त खाने का सोडा जो होता है, तो डंक के प्रभाव को नमयुक्त क्या खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजनक कार्बोनेट अथवा कैले माइन विलियन मलकर क्या उसको उदासीन किया जाता है, जिसे जिंक कार्बोनेट कहते हैं। मृदा उपचार क्या होता है, मृदा उपचार है, यदि मृदा अत्यधिक अम्ली है अथवा अत्यधिक क्षारी है तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। मृदा अत्यधिक अम्ली होने पर बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्षारकों में उपचारित किया जाता है। तो क्या हुआ, हमें एक चीज़ क्या पता चली कि चींटी का डंक जहाँ पर काटती है तो वहाँ पर क्या करती है, अम्ल डाल देती है। इसके कारण वो त्वचा फूल जाती और खजली जैसी खूब खजुलाने की इच्छा होती, तो उस जगह को उदासीनीकरण करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें जो नमयुक्त खाने वाले जो खाने वाला सोडा होता है अथवा कैलेमाइन जो होता है उसको रगड़ देने से वो उदासीन हो जाता है, जिसे जिंक कार्बोनेट कहते हैं। मृदा उपचार क्या होता है, यदि मृदा में मृदा अधिक अम्ली हो गई या अधिक अम्ल हो गया या अत्यधिक क्षारी हो गई तो क्या होगा, उससे पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती। जब
क्या होगा, यदि मृदा अधिक अम्लीय अथवा क्षारीय है तो पौधों की वृद्धि उसमें ज़्यादा नहीं हो पाती, और मृदा अत्यधिक अम्लीय होने पर क्या करते हैं, यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय है तो क्या करेंगे, अगर हमें पता चला कि मृदा अत्यधिक अम्लीय है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना, क्या बिना बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को डाल देते हैं, जैसे छारकों से उपचारित उसको उपचार किया जाता उस मिट्टी को, अम्लीय मिट्टी को, और अगर पता चले कि हमने जो यह मृदा क्षारीय है उस मिट्टी में क्षार ज़्यादा है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैव पदार्थ मतलब कंपोस्ट खाद को मिलाकर उसका उसको अच्छा किया जा सकता है। तो यदि मृदा अधिक अम्लीय है तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको अच्छा कर सकते हैं, यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाकर या जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाकर उसको अम्ल निर्मुक्त किया जा सकता है। कारखानों में अपशिष्ट क्या है, तो कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो कारखानों में अपशिष्ट क्या, तो कारखानों के जो अपशिष्ट निकलता है, जो खराब चीज निकलती है, तो कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्या करते हैं, तो कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले उसको क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन किया, मत का मतलब कि कारखानों का जो अपशिष्ट होता है वो उसमें अम्ल मिला होता है, वो अम्लीय होता है, और जब अम्लीय मिला होता है तो उसको क्षारीय पदार्थ मिलाकर उस अपशिष्ट को उदासीन किया जाता है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया, अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और शेयर करके इस चैनल का सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।